कॉमेडी के किंग कहे जाने वाले कपिल शर्मा की बात करें तो उनकी छोटे पर्दे पर वापसी हो चुकी है। दी कपिल शर्मा शो सीजन 2 कपिल शर्मा लेकर आ चुके हैं। आपको बताना चाहेंगे, एक लंबे समय से कपिल शर्मा ब्रेक पर थे और अब सलमान खान के प्रोडक्शन हाउस के बैनर तले उनका ये शो ऑर्गेनाइज हो चुका है। आगाज होते ही उनके शो की पॉपुलैरिटी दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। उनके फैंस भी उनके आने की खुशी पर झूम उठ चुके हैं। आपको बताना चाहेंगे, कपिल शर्मा सीजन 2 काफी ज्यादा मजेदार रहा है और अभी हाल ही में रणवीर सिंह अपनी फिल्म सिम्बा को प्रमोट करने के लिए आए थे। दी कपिल शर्मा शो सीजन 2 लोगों को बहुत ज्यादा पसंद आ रहा है, लेकिन दूसरी ओर कपिल शर्मा को एक बड़ा झटका लगा है। जी हां, आपको बताना चाहेंगे कि कपिल शर्मा को पैसों के मामले में एक बड़ा झटका लग चुका है। न्यूज 18 की अभी हाल ही में आई रिपोर्ट के मुताबिक बताया गया है कि कपिल शर्मा को 40 से 60 लाख के बीच का झटका लग चुका है। आपको बताना चाहेंगे, साल 2016 में जब दी कपिल शर्मा शो ऑन एयर होता था तो एक एपिसोड के लिए कपिल शर्मा को 60 से 80 लाख रुपए मिलते थे। यानी एक एपिसोड के लिए कपिल शर्मा इतनी भारी भरकम फीस चार्ज करते थे, लेकिन अब उनकी ये भारी भरकम फीस नहीं रह चुकी है। आपको बताना चाहेंगे, अब दी कपिल शर्मा शो सीजन 2 में एक एपिसोड के लिए कपिल शर्मा को 15 लाख रुपए मिल रहे हैं। जी हां, महज 15 लाख रुपए कपिल शर्मा को एक एपिसोड के लिए मिल रहा है। वही दूसरी ओर बाकी कलाकारों की तरफ आया जाए तो सुमोना चक्रवर्ती, भारती सिंह, चंदन प्रभाकर को भी 10 से 12 लाख रुपए फीस मिल रही है। यानी कहीं न कहीं कहा जा सकता है कि कपिल शर्मा के करियर पर बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ा है, लेकिन दूसरी ओर कपिल के चाहने वालों की दुआएं उनके बिल्कुल साथ है और वो जल्द ही अपने आप को इम्प्रूव कर लेंगे।